प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए। राम राम, मैं आपकी दिव्या। इन 10 सालों में देश के 53 करोड़ लोगों के पास जनधन अकाउंट है। इस योजना का मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड करना। जनधन एक क्रांति बन गया जब ये जैम ट्रिनिटी के साथ जुड़ गया। जैम ट्रिनिटी मीन्स जनधन, आधार और मोबाइल। इसके बाद देश के ज्यादातर ट्रांजैक्शंस मोबाइल से होने लगे और सारी वेलफेयर स्कीम की भुगतान भी डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे जनधन अकाउंट में आने लगे। जानना चाहते हैं कैसे जनधन योजना एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है? डीबीटी के जरिए अब तक 34 लाख करोड़ का पेमेंट इन्हीं जनधन अकाउंट में गया है और जीरो बैलेंस अकाउंट में करीब 2.3 लाख करोड़ सेविंग है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में चीन को पछाड़कर भारत 9वें नंबर पर है। चाइना के कंपैरिजन में इंडिया के 80% अडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट है और डिजिटल ट्रांजैक्शन रेट भी कहीं ज्यादा है। यूपीआई हो या आधार से लिंकिंग, भारत कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन से न केवल महिलाएं और मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन एम्पावर हो रही है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से मजबूत हो रही है। आपकी क्या राय, कमेंट करके बताएं।